Star Night, Star Galaxy Hour Season 3, organized by Saurav Haryanvi, Bollywood actor and producer. Presented by Pankaj Kumar, owner of Sanskriti Male Designer Brand, and Vandana N. Gupta, VG, Designs Female Design Brand. Onushthito holo aaj Swabhumi Rajkutire. 24 আওয়ার্স টিভি ক্যামেরাবন্দি করল গ্ল্যামারাস ফ্যাশন শো এর স্পেশাল কিছু মুহূর্ত, দেখে নেওয়া যাক তারই এক ঝলক। या उसके कोई कोई भी ख्वाहिश है या मैं पूरी कर सकूं, तो मैंने ये कंपनी खोली, स्टार्ट किया हाई होप्स, क्योंकि लोग हमेशा मेरे को बोलते थे यू हैव हाई होप्स इन लाइफ। तो मैंने फिर सोचा कि चलो कंपनी का नाम यही होना चाहिए, स्टार्स देखता हूँ तो स्टार्स नहीं। तो फर्स्ट सीजन के बाद सेकेंड सीजन में, पहले फर्स्ट सीजन में वंदना जी हमसे जुड़ी थी एज अ डिजाइनर, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज़ फॉर वंदना गुप्ता। एंड सेकेंड सीजन में हमारे साथ जुड़े थे पंकज कुमार फ्रॉम संस्कृति। तो इस बार हमने और पंकज भैया ने बैठ के एक डिसीजन लिया कि कुछ हम डिफरेंट करते हैं स्टार्स नाइट में। तो हम पहुंचे वंदना जी के स्टोर एंड हमने वंदना जी के साथ कोलैबोरेशन किया। सो आई वुड लाइक टू कॉल पंकज कुमार एंड वंदना गुप्ता ऑन स्टेज। ये हमारे दो सितारे इस शाम के। ऐसे ये स्टोरी स्टार्ट हुई कि इनका प्रपोजल इनसे गया है, हमने ये पूरी टीम बनाई आज एक, जिसके सहारे हम कम से कम 2 लाख लोगों से जुड़े थ्रू सोशल मीडिया एंड इट वाज अ बिग अचीवमेंट फॉर अस। एंड आई लाइक टू से कि पंकज भैया कुछ शब्द बोले। शब्द बहुत है लेकिन एक लाइन में ये है कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आवे वही ये प्लेटफॉर्म है। हमने जब ये विचार किया था कि भाई अपने को इस टाइप का एक शूट करना है तो कोई भी मॉडल नहीं, हम लोग के बीच में कोई भी मॉडल नहीं है। वो आदमी है जो आपके घर में आपके लिए खाना बनाती है, वो आदमी है जो आपके लिए कमा के लाता है, वो देखेंगे आप, कोई भी मॉडल नहीं। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब भी हम कभी बात करते हैं, कभी हम पर्दे पे देखते हैं ना, तो वही दिखता है उसके चाल, उसके ड्रेसिंग, उसके एटीट्यूड को वही हमने कोशिश की है इसमें उतारने की और वही हमने प्रयास किया है। थैंक यू मैं बोलता हूँ सौरभ को जिन्होंने एक ट्रिप ट्रिप ला के इस चीज को तैयार किया। थैंक यू। और इसके पहले कि मैं शुरू करूं तो हम एक ही बात बोलना चाहेंगे, अगर देखनी हो हमारी उड़ान तो और भी ऊंचा कर दो आसमान। तो आज हम लोग यहाँ पे एक्चुअली जो पंकज जी ने बोला, मॉडल नहीं चलेंगे, हमारे रियल लाइफ में जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, जो हमारे पास आते हैं, जो जिस भी फिगर से होते हैं, जिस भी साइज से होते हैं, उनको कपड़े पहना के अगर हम विन करते वो खुश होते और वो ब्यूटीफुल लगते हैं और कॉन्फिडेंट होते हैं तो दिस इज द सक्सेस ऑफ द डिजाइनर। सो दिस इज व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू टुडे। व्हाट यू आर गोइंग टू सी द किड्स, द टीन्स, द मेल, द फीमेल्स जो वॉक करेंगे वो एक्चुअली हाउसवाइफ्स होंगी या अपने अपने फील्ड में प्रोफेशनल्स होंगी बट मॉडल्स नहीं होंगी। बट जब सौरभ ने उनको ग्रूम किया और पंकज जी ने वंदना एन गुप्ता ने जब उनको कपड़े दिए तो आई प्रॉमिस यू दे वोंट लुक लेस देन मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स टुडे। सो दिस इज व्हाट वी स्टार्ट दिस प्रोग्राम। सो ओवर टू सौरभ अगेन।
ऑलवेज स्पेशल फॉर अस इन सीजन वन. आज सीजन थ्री हो गया, 3 साल हो गए और मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है एंड आई एम एंजॉइंग एज मच एज आई कैन. और बाकी आप देख ही सकते हो हॉल पूरा हाउस फुल है, सीट नहीं है शो के अंदर एंड इससे ज़्यादा सक्सेसफुल क्या हो सकता है. और काफ़ी खुश हूँ मैं कि आई एम एंजॉइंग दिस सीजन वेरी मच. थैंक यू. सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के मार्फत सभी को धन्यवाद देता हूँ कि जो इतनी संख्या में यहाँ आके इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं. दिस इज़ नॉट ए कॉम्पिटिशन, लेकिन कोई तो जीतेगा लेकिन हारेगा कोई नहीं. जिस प्लेटफॉर्म पे वो चल रहे हैं ना, वहाँ हारने का कोई सवाल ही नहीं है. आज अगर नहीं ठीक पाया कल जीतेगा. ये हम लोग का सीजन 3 है और ये सीजन 4, 5, 6 तो आते रहेगा. हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ अंदर का आत्मविश्वास को आगे लेके आते हैं. हम लोग का टारगेट ही वही है, उस आदमी को उठाना, उस कपल को उठाना, उस मेंस को उठाना जो बोलता है मेरे पर अच्छा नहीं लगेगा, मैं कैसे रिम पे चलूँगा, मैं कैसे रिम वॉक करूँगा. सब खत्म हो गया. अभी आप देख रहे हैं जितने बच्चों को, वो लग रहा था कि वो प्रोफेशनल मॉडल है. एटीट्यूड, बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस, वही हम लोग का काम था मैम और वही हम लोग ने किया है. Passion is what you should always pursue. At times, you know, when you choose a career because of many other reasons, maybe because of your parents wanted to do, yeah, whatever had been the circumstances. But agar passion hota hai kisi cheez ke liye and aap work karte ho uske liye, to aap uspe achieve karte ho. Maybe I am a doctor, but I loved garment and wanted to be a designer. And here I am a successful designer today. And this is the journey which is just begun. There are lot many things to achieve in life.